दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टेक विथ हैक्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो के थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नवंबर का महीना आ चुका है और हर साल नवंबर के महीने में जितने भी पेंशनधारी हैं उनको अपने पेंशन को सुचारू रूप से पाने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन का प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो किस तरीके से आप अपने CSC पोर्टल के माध्यम से उन सभी पेंशनधारी के लिए उनका यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिसमें कि आप आधार कार्ड की मदद से ही उनका लाइफ सर्टिफिकेट बना पाएंगे। आपको किसी भी तरीके का मैनुअल कार्य यहाँ पे नहीं करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करेंगे जीवन प्रमाण, इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाता है। आपको यहाँ पे सिंपली प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, न्यू जीवन प्रमाण एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट का। तो अगर आपको एक नया जीवन प्रमाण पत्र बनाना है तो आप न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको आपकी CSC ID देखने को मिल जाएगी। आपको जिसका भी लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद में पेंशनियर का नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है टाइप ऑफ पेंशन, जिसमें कि पेंशनधारी जिस भी प्रकार की पेंशन लेते हैं आपके यहाँ से उसका सिलेक्शन कर लेना है। आपको यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी टाइप की पेंशनियर यहाँ पे पेंशन लेता है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल जाता है यूर PPO नंबर का। तो जितने भी पेंशनधारी हैं उनको एक PPO नंबर दिया जाता है, या फिर जब भी उनके मोबाइल में यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मैसेज आता है तो वहाँ पर आपको ये PPO नंबर देखने को मिल जाता है, जिसे कि आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है पेंशनधारी यहाँ पे जिस भी अथॉरिटी से पेंशन लेता है उसका सिलेक्शन आपको यहाँ से कर लेना है, जैसे कि EPFO से पेंशन लेता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट या फिर रेलवे डिफेंस। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी अथॉरिटी से पेंशनधारी को पेंशन मिलती है। इसके बाद में अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है एजेंसी का। तो ज़्यादातर केस में आप बैंक में पेंशन मिलती है तो आपको यहाँ पे बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ से बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एजेंसी सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि किस बैंक में आपको पेंशन मिलती है उसका सिलेक्शन आपको यहाँ से कर लेना होगा। आप जैसे यहाँ से बैंक का सिलेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद में पेंशनधारी को जिस भी बैंक अकाउंट में पेंशन आती है आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप कर लेना है। नीचे आपको दो डिक्लेरेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट नो पे सेट रहेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में आपको नीचे एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप इस वाले बॉक्स पे फिल करेंगे। जैसे आप कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में जो भी पेंशनधारी है उसका फिंगर आपको यहाँ पे कैप्चर करा लेना है, और जैसे यहाँ पे फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसका जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है यहाँ पे आधार बेस यहाँ पे जमा हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैन्युअली पहले लाइफ सर्टिफिकेट बना के बाद में जाके उसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाते हैं वो डिजिटली आधार बेस बनता है, तो आप इस तरीके से अपने CSC पोर्टल के माध्यम से लोगों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास अभी कोई ऐसा कस्टमर अवेलेबल नहीं है जिसका कि हमको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है, लेकिन हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से आप अपने CSC पोर्टल के माध्यम से पेंशनधारियों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आशा करूंगा आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और CSC से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर CSC से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहते हैं।